3D वॉल आर्ट बहुत दिनों से काम चल रहा है, अभी भी पूरा काम हुआ नहीं है। आप लोग कहाँ से आए हैं बनाने के लिए इस चीज़ को? बेगूसराय से। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एकदम। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा फेमस जो है ना वो गांधी घाट है, और इसके दो रीज़न है। गंगा नदी के उस साइड है मिनी गोवा। देखिए भैया जी, यहाँ पे बहुत सारे भैया आए हुए हैं जो कबड्डी खेल रहे हैं। तो भैया जी कैसे हैं? अगर आप बहुत दिनों से पटना NIT नहीं आए हैं तो अब समय आ गया है कि आप अपने बिस्तर से उठें और पटना NIT आएँ, क्योंकि पटना NIT घाट जो है ना वो अपनी शक्ल बदल चुका है। मेरे पीछे अभी मैं आपको दिखाऊंगा 3D वॉल पेंटिंग, जो कहीं कहीं बिहार में है लेकिन पटना NIT पे पहली बार है, जिसने पटना NIT की पूरी शक्ल बदल दी है। मतलब आप यहाँ आइएगा तो मज़ा ही आएगा। देख लीजिए अभी मेरे पीछे, ये पूरा का पूरा जो है ये 3D वॉल आर्ट बहुत दिनों से काम चल रहा है, अभी भी पूरा काम हुआ नहीं है। कब से बन रहा है भैया? एक महीना हो गया। अभी यहाँ से वहाँ पूरा बनाना है? आप लोग कहाँ से आए हैं बनाने के लिए इस चीज़ को? बेगूसराय से। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एकदम 3D। टाइम लग जाता है उसका रियल दिखाने के लिए। अगर आप पटना के गंगा नदी पर आते हैं तो यहाँ तो आपको ऐसे बहुत सारे घाट मिल जाएंगे, जैसे गांधी घाट है, कृष्णा घाट है, काली घाट है, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा फेमस जो है ना वो गांधी घाट है, और इसके दो रीज़न है। मतलब एक इतिहास है और एक इसका वर्तमान है। इतिहास ये है कि ये गांधी जी के नाम पर रखा गया है, और यहाँ पर जो उनकी एशेज थी वो वो गंगा नदी में बहाई गई थी। और इसका वर्तमान ये है कि यहाँ पर बहुत सारी मधुबनी पेंटिंग है गांधी घाट पर। दिन भर के थके हुए हैं अगर आप भैया जी तो यहाँ शाम में आइए, प्यारा सा सनसेट मिल जाएगा देखने को। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सनसेट उस साइड जाके, बगल में गंगा की धार की लहरें हैं, चिड़िया की आवाज़ है, घंटियों की टनटन है, मंदिर में घंटियाँ बजती रहती है, ये सब एक एम्बियंस ही है और इन सब से आपको बहुत अच्छा ही लगेगा। शाम में यहाँ बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं, कुछ लोग तो यहाँ कॉलेज से ही आते हैं और बाकी लोग अपने फैमिली के साथ आते हैं। हम तो 7 दिन पहले यहाँ आए थे गंगा आरती देखने के लिए, लेकिन हमारा पोपट बन गया था। आपका पोपट ना बने इसीलिए आपको बता दें कि गंगा आरती अगर आपको देखनी है तो भैया सैटरडे या फिर संडे को आइए, बाकी किसी दिन गंगा आरती दिखती नहीं है। भैया जी यहाँ पे बहुत सारे बोट वाले भैया जो है ना वो कहते हैं कि मिनी गोवा है उस साइड, गंगा नदी के उस साइड है मिनी गोवा। तो अभी आपको लेके चलते हैं कैसा है मिनी गोवा नहीं है। तो 50 रुपये बस लगते हैं बोटिंग के, आपको उस साइड ज़रूर जाना चाहिए, और कोई भी बोट पकड़ के आप उस साइड से आ सकते हैं शाम होती है तो, बाकी इस साइड से उस साइड जाने का 50 रुपीज़ है। तो भैया जी हमारी बोट हो गई है स्टार्ट, हम जा रहे हैं मिनी गोवा। क्या कहते हैं? पहले तो भैया जी यहाँ का नज़ारा देखिए, मतलब लोग यहाँ पे दोपहर से लेकर शाम तक आते रहते हैं इस चीज़ के लिए, और इसी को यहाँ के नो बोट वाले भैया लोग कहते हैं मिनी गोवा। ये एक बीच टाइप फील होता है, उस साइड पूरा का पूरा लंबा सा नदी है, और इधर प्यारा सा सनसेट देखने को मिल जाएगा अभी थोड़ी ही देर में। लोग यहाँ आके आराम से चिल करते रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे भैया आए हुए हैं जो कबड्डी खेल रहे हैं।
भैया जी, अगर आप इस साइड आते हैं ना तो आपको यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें मिल जाएगी जिसमें आपको चाय, नाश्ता, बिस्किट, चिप्स, लेज ये सब मिल जाएंगे। आप ही बताइए भैया, लोग कहते हैं कि पटना में बीच नहीं है, अब इस एरिया को बीच नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये आपको बीच से कोई कम लग रहा है क्या? सारे के सारे कॉलेज उस साइड है, वहाँ से स्टार्ट होता है, वो रहा, वो है, यहाँ तक पूरा का पूरा कॉलेज है। गांधी मैदान के पास जितना भी कॉलेज है सारे कॉलेज इस घाट के उस साइड ही हैं। और अभी थोड़ी देर में जब सनसेट हो जाएगा तो वहाँ पे उस घाट पे वहाँ पे आरती स्टार्ट हो जाएगी। शहर की चकाचौंध भरी ज़िंदगी से जो है ना भैया जी, कभी कभी कट लेना और साइड आके गांव वाले इलाके में घूमना ही ज़िंदगी का दूसरा नाम। And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta... भैया जी, सनसेट तो हो गया और अब हमें चलना है आरती देखने के लिए। आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब जा रहे हैं उस साइड गंगा आरती देखने के लिए। आए तो थे हम गांधी घाट से, लेकिन बैठे हैं कृष्णा घाट वाले पे। ऐसे बगल में ही है दोनों घाट। उस साइड चल के आपको आरती दिखाते हैं। सनसेट हो चुका है और जैसे कि मैंने आपको कहा था, जैसे ही सनसेट होती है उस साइड आरती स्टार्ट होती है। भैया जी, सीन कुछ ऐसा है कि हम आ चुके हैं कृष्णा घाट और जा रहे हैं अभी गंगा आरती देखने गांधी घाट। और एक और ज़रूरी बात, पटना में कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देख के मैं बोल रहा हूँ, यहाँ बहुत भीड़ रहती है। आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो प्लीज़ मास्क पहन के आइए, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा केस जो है वो पटना में ही मिल रहे हैं। तो आइए यहाँ पे, तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए और दूसरों का भी रखिए। मास्क लगा के ज़रूर आइए। Thank you.